हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड के राजकीय चिकित्सालय में राज्य सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की तरफ से दो ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत, सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सोजत रोड सरपंच लक्ष्मी कछवा के हाथों दो ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन का उद्घाटन कर सोजत रोड चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर एन के विजय वर्गी को सौंपी गई। राज्य सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के द्वारा सोजत उपखंड क्षेत्र में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई। सोजत रोड चिकित्सालय में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सियाट धाकड़ी गागुड़ा में एक एक मशीन दी गई। सोजत रोड राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय परिसर में आयोजित समारोह में पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत, सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सोजत तहसीलदार दीपक सांकला, सोजत BCMO सोहनलाल चौधरी, प्रधानाचार्य जयदेव शर्मा, RI कमलेश मीणा, वीरेंद्र पुनिया, दयाराम माली, मदन पवार, गोविंद दवे, यारू खान, राधेश्याम उपाध्याय, विजेंद्र सिंह चौधरी, हीरा लाल मारू, साबिर अली रंगरेज, प्रदीप राज सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत, इन्होंने ये कहा। भी आप लोगों ने समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग सारा पढ़ रहे हैं, अगस्त सितम्बर में वापस किसी एक थर्ड वेव की संभावना है। फर्स्ट वेव इतनी घातक नहीं थी, खतरनाक नहीं थी। सेकेंड वेव, इसके बारे में हम सब लोग अनुभूति कर चुके हैं। कई परिवार अपने मुखिया को, बच्चों को, बड़े बुजुर्ग कई लोगों को खो चुके हैं। थर्ड वेव के लिए भी जिस तरह की बातें आ रही, उस आधार से अभी से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और उस प्रिपरेशन के जो शुभारंभ या इस तरह के जो काम हैं, कदम हैं, ये अभी से शुरू हो रहे हैं। अभी भी जो लॉकडाउन था राजस्थान सरकार की तरफ से, पहले से मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला स्टेट अपना जहाँ पर सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कि लॉकडाउन भी समय पर लगाया, व्यवस्था भी बहुत उत्तम रही है और राजस्थान का नाम भी पूरे देश में गिना जाता है। सब यहाँ का मैनेजमेंट प्रबंधन बहुत अच्छा है। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।